अस्सलाम वालेकुम गाइस, आलो साहब कैसे हैं। मैं कहती हूँ कि आलो साहब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आज दो दिन की वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का मुकाबला किया जा रहा है। इन दोनों को सामने रखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों में से अगर शादी करना चाहेंगे तो किससे करेंगे और किसको अल्लाह ज़्यादा लाइक करते हैं और किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने पाकिस्तानी हीरो बाबर आजम के बारे में, जो कि हमारे पाकिस्तानी कप्तान हैं और नंबर वन खिलाड़ी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो इनकी माशाल्लाह से पर्सनैलिटी तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इन है, और लोग इनके बारे में कुछ ये भी कहते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी है ही नहीं है, पता नहीं ये प्यारे भी नहीं लगते, ये ऐसे वैसे, पता नहीं लोगों को क्यों इतना ऐसा लगता है कि ये प्यारे नहीं हैं, इनके कोई कशिश नहीं है, इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लड़कियां ने बातें करती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुना है। एक लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम कहाँ से प्यारा, मुझे तो उसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। और कुछ ने कहा कि बाबर आजम प्यारे नहीं है, विराट कोहली ज़्यादा प्यारे हैं, बाबर आजम में कोई इसकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो क्या उन्हें इन तस्वीरों को देख के नहीं लगता कि बाबर आजम की पर्सनैलिटी है कि नहीं है। यार आप किसके बारे में बात कर रही हो, पहले देख लो, पहले सोच लो, पहले देख तो लो आप बात किसके बारे में कर रही हैं। उस इंसान को आप कितना नीचे लेके जा रहे हैं, किसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसकी तरफ देखने को दिल नहीं करता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अच्छी है किसी के बारे में किसी को ये जज करना कि ये इंसान प्यारा नहीं है, ये प्यारा नहीं है, और सरेआम कह देना कि ये मुझे प्यारा नहीं लगता, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये क्योंकि ये वाइट ज़्यादा है, इसका रंग बड़ा अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बातें बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे दोनों खिलाड़ी बहुत ही प्यारे हैं, माशाल्लाह से पर्सनैलिटी भी दोनों की बहुत ही प्यारी है। सबसे पहले इनका कोई मुकाबला नहीं करना चाहिए, उन्हें बनता भी नहीं है। हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है, हर इंसान की दूसरे इंसान से पहचान बिल्कुल अलग है। कोई अपने बोलने के अंदाजे से किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को उसके कपड़ों की वजह से उसे पसंद करता है, कोई किसी को उसकी बातों से पसंद करता है, कोई किसी को एम बस लाइक करते उसे अच्छा लगता है। चेस में कोई उसकी पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही। ये आप लोग ये सोचें कि आप बात किसके बारे में कर रही हैं। जो दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी है उससे ये पूछे नहीं जा सकता कि उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। उसकी माशाल्लाह से पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और माशाल्लाह से वो है भी अपनी जो उसकी आम लाइफ है उसमें भी वो बहुत प्यारे लगते हैं। आपने उनको आम तस्वीरों में नहीं देखा, वो बहुत प्यारे लगते हैं, उनमें कशिश है, वो बहुत प्यारे इंसान है। अल्लाह ताला का हर इंसान बनाया हुआ हर इंसान बहुत ही प्यारा है। आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये प्यारा नहीं है, ये इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। अल्लाह ताला का हर बनाया हुआ बंदा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही माशाल्लाह से हमारे दोनों खिलाड़ी बहुत ही, सब खिलाड़ी हमारे बहुत प्यारे हैं। आप किसी के बारे में ऐसा मत बोलें कि ये प्यारे नहीं लगता है, इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। हमारे हर खिलाड़ी की माशाल्लाह से पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मैं आप लोगों से ये भी नहीं पूछना चाहूँगी कि आप इन दोनों में से कौन से खिलाड़ी को लाइक करते हैं, क्योंकि मैं तो सबको खिलाड़ी मेरे लिए एक बराबर है। क्योंकि बाबर आजम इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं कि ये जो इनकी आम सी लाइफ है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सादा दिन की गुजारते हैं, बहुत सादा पसंद इंसान है। तो उनकी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस तरह की मर्जी ड्रेसिंग करें, क्योंकि ये इंसान का अपना है, हर इंसान को जो अच्छा लगता है वही वो पहनता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई भी ऐसा कोई है जिनमें वो ना प्यारे लगते हों, जो जो भी ड्रेस पहने माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं।